ज्ञानोदय प्लस टू उच्च माध्यमिक के विद्यालय बबनौली आराम में आज इस दीपावली दीपों के साथ मनाने को लेकर ली गई शपथ। विद्यालय के निदेशक धर्मेंद्र उपाध्याय ने छात्र छात्राओं के साथ लोगों से भी अपील किया कि इस दीपावली दीपों के साथ अपने घर को रोशन करें। हम लोगों ने ठाना है मिट्टी के दिए जलाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है, मिट्टी के दिए जलाना है। हम सब मिलकर के एक संदेश ज्ञानोदय की तरफ से समाज को देने का प्रयास करेंगे कि हम देसी निर्मित दिए का उपयोग करेंगे और आने वाले दीपावली और छठ महापर्व के अवसर पर मिट्टी के दिए जलाएंगे और सबके साथ मिलकर खुशी दीपोत्सव दीपावली का त्यौहार मनाएंगे। हम लोगों ने खाना है मिट्टी के दिए जलाना है पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है मिट्टी के दिए जलाना है भारत में स्वरोजगार को बढ़ाना है मिट्टी के दिए जलाना है ज्ञानोदय परिवार ने ठाना है मिट्टी के दिए जलाना है नमस्कार। इस समय हम खड़े हैं बबनौली स्थित ज्ञानोदय प्लस टू उच्च विद्यालय में, जहां पर आज छात्र छात्राओं को आने वाले उत्सव के त्यौहार दीपावली के साथ अन्य जो त्यौहार है उसमें मिट्टी के दीपक इस्तेमाल को लेकर आज छात्र छात्राओं को एक संदेश दिया गया है, शपथ ग्रहण कराया गया है, ताकि जो छात्र छात्राएं हैं वो अपने घर में इस दीपावली जरूर दिए जलाएं। आइए बात करते हैं कुछ छात्राओं से, और छात्र भी हैं, तो आप क्या कहना चाहती हो? सर ने अभी शपथ दिलाया, किस तरीके से दिया जलाओगे और लोगों को कितने प्रेरित करोगे अपने घर में? सबसे पहले नमस्कार सर, हम ये बताना चाहते हैं कि दिवाली की, सबसे पहले दिवाली की तो हार्दिक शुभकामनाएं। सर ने अभी हम लोग को, जैसे कि आप देखे होंगे पहले भी पिछले वीडियो में, सर लोग हम बताए हैं कि दिवाली को हम लोग शुद्ध देसी निर्मित दिए को हम लोग जलाना चाहिए, ताकि हमारे जो पर्यावरण है उसका ह्रास ना हो पाए। इसीलिए हम लोग ये शपथ लेते हैं आज की, हम लोग शुद्ध देसी निर्मित दिए ही घर पर जलाएंगे और उसको बनाएंगे, क्या, ताकि हमारा पर्यावरण ह्रास ना हो। और सबसे बड़ी हम लोग की ये श्रेष्ठा रहेगी कि हम गरीब लोगों को जो ये दिए बनाएंगे, जो बिक्री करेंगे इससे उन लोगों का दीपावली भी अच्छे से मन पाए, ताकि जैसे हम लोग देखते हैं कि सब हम लोग आजकल इलेक्ट्रॉनिक सारा सामान ये सब हम लोग यूज करते हैं, ताकि ये सब हम लोग को नहीं करना चाहिए, ताकि इससे हमारा पर्यावरण ह्रास हो रहा है, फिर गरीब लोगों को भी कितना नुकसान हो पा रहा है। हमें सकल घरेलू उत्पाद द्वारा ही जो निर्मित दिए हैं उसी का उपयोग करना चाहिए। हमें पटाखे आदि नहीं जलाना चाहिए। हम लोग पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे तभी हमारा जो जनसंख्या है वो आगे बढ़ेगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। हमारा आज देश सुरक्षित है ही नहीं तो फिर हम कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक दिए सब सामान का उपयोग करेंगे। हमें पूर्णतः प्रयास करना चाहिए ताकि हम शुद्ध देसी निर्मित घर के बने दिए ही यूज करें और गरीब लोगों में बाटे, मिठाई बाटे उन लोगों, ताकि उन लोगों का दिवाली भी अच्छे से मन पाए। तो आपने सुना एक छात्र की, और आइए आप क्या कहना चाहते हो बाबू, आपके किस तरीके से दीपावली मनाओगे और लोगों का किस तरीके से प्रेरित करोगे, खास तौर पर अपने घर में दिया जलाओगे या किस लोगों को क्या अपना बताओगे? सर मैं कल्याणी कुमारी, मेरे अनुसार दीपावली का दिया हमें ना ये पटाखे जलाने के बजाय मिट्टी के दिए को पूरे घर में रोशनी करना चाहिए, ताकि हमें उससे बहुत प्रकार के फायदे भी मिल सके। जैसे मैं गरीब लोगों को, मतलब उनका रोजगार बढ़े, मतलब जो कर रहे हैं लोग, और यानी जो मिट्टी का दिया है वो जलाना चाहिए, क्योंकि ताकि हमारा जो देश का जो अपना जो सांस्कृतिक परंपरा है, धरोहर है, उसको बचाए रखना हमारे आने वाले पीढ़ी का भी ये दायित्व बनता है। तो इस तरीके से और भी कुछ छात्र हैं, आप भी क्या कुछ कहना चाहोगे बाबू? इस तरीके से दिया जलाने के लिए आज स्कूल में कार्यक्रम चलाया गया, लोगों को अवेयरनेस किया गया, कुछ बताओ क्या लगता है, दिया कैसा अच्छा लगता है दिया जलाना? हाँ सर, दिया जलाना अच्छा लगता है, इससे हमारे पर्यावरण भी शुद्ध रहते हैं।
और गरीब लोगों का भी रोजगार में वृद्धि होती है, यानी दिया जलाना चाहिए। चलिए तो और कुछ आइए हम बात करते हैं, और क्या कहना चाहते हैं बताओ कुछ। जिस तरीके से आज दीप उत्सव का कार्यक्रम दिया जो जलता है दीपावली के दिन, उसको लेकर विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि हम लोग विद्यालय में बताया गया कि इस बार दीपावली का पर इस तरह से मनाया जाए ताकि कुछ दीप मिट्टी के दिए को जलाकर मनाया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण को शुद्ध किया जा सके, जैसे और रोजगार में वृद्धि हो किया जा सके। ठीक, और कौन कुछ बताना चाहेगा? आइए मनोज सर, आप थोड़ा सा यहाँ आए बताइए। जिस तरीके से आज विद्यालय परिवार ने आपने शपथ दिलवाया छात्र छात्राओं को मिट्टी के दीपक को जलाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कुछ समय से दीयों का प्रचलन थोड़ा कम होते जा रहा है। सबसे पहले विद्यालय परिवार की तरफ से आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और बहुत ही अच्छे मुहूर्त पर, बहुत ही अच्छे समय पर आप यहाँ आए हैं, क्योंकि भारत सभ्यता और संस्कृति और धार्मिक प्रवृत्ति वाला देश है, और मिट्टी के दिए का जहाँ तक प्रश्न है केवल जलाने में ही उपयोग नहीं किया जाता है, हर पूजा पाठ की शुद्धता का प्रतीक हमारा मिट्टी का दीपक होता है, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक दीप नहीं जला सकते। तो ये एक बहुत ही सुंदर मुहूर्त है जब ऐसा पर्व, साल भर के गंदगी को हम साफ करते हैं, घरों को साफ करते हैं, उसे सजाने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि केले के थम और बांस के बल्ले को बांध करके मिट्टी के दीपक को प्रतिष्ठापित करके तेल और बत्ती जला करके जब हम दीपक को जलाते हैं तो उसका एक लुक अलग होता है। तो मैं विद्यालय परिवार की तरफ से सबका आह्वान करना चाहूँगा कि भाई अभी देर नहीं हुई है, अभी भी बहुत समय है, हम लोग चेतें और अपने सभ्यता संस्कृति को पुनर्वृत्ति जीवंत मूर्त देने के लिए इस बार हम लोगों ने एक नए संकल्प के साथ, मैंने कहा कि विद्यालय परिवार ज्ञानोदय ने ठाना है और मिट्टी के दीपक के साथ दीपावली मनाना है। मैं अपने निदेशक महोदय आदरणीय श्री धर्मेंद्र उपाध्याय सर का भी हार्दिक अभिनंदन करूंगा जिन्होंने ये मौका हम लोगों को दिया है आपके साथ बात करने का। तो सर, दीपावली इस बार नए अंदाज में, हम दूसरे क्लास से पढ़ते थे कि नए नए हम कपड़े पहने, खाऊं खूब मिठाई, अब बांट बांट कर मिठाई बांट करके ही दीपावली मनाए तो ज्यादा खुशी होती है। हम सब मिलजुल करके मिट्टी के दीपक के साथ दीपावली मनाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना मनोज सर को, आप सुनते हैं सर को। क्या सर, आपके विद्यालय में अक्सर जो भारतीय संस्कृति सभ्यता का कार्यक्रम होता है अक्सर चलता है, इस बार दीपोत्सव का कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्राओं को दीपों के प्रति जागरूक कर रहे हैं आप लोग? इस बार इस दिवाली में हमने अपने विद्यालय परिवार के शिक्षक एवं छात्रों सबने मिलकर यह प्रयास किया है कि इस बार हम अपने घरों में मिट्टी के दिए ही जलाएंगे और पटाखों से परहेज करेंगे क्योंकि उससे प्रदूषण भी बढ़ता है। और हम लोग जो दीपो मिट्टी के दिए जलाएंगे, उस जो हमारे यहाँ के जो गरीब लोग बनाते हैं, इससे उनको रोजगार भी पैदा होगा और हम अपनी संस्कृति और संस्कार को बचाने में कामयाब होंगे, स्वरोजगार पैदा करने में हम लोग कामयाब होंगे। इस तरीके से सर, आपके विद्यालय में अक्सर इस तरीके के कार्यक्रम किए जाते हैं, इस बार दीयों को लेकर बच्चों छात्र छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि बात किया जा रहा है आत्मनिर्भर और स्वरोजगार की, लेकिन सभी को ये लग रहा है कि बच्चों के अंदर ये एक धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रहा है, क्योंकि पहले होता था कि चाइनीज सामग्री आया बहुत हावी हो गया और दीयों का प्रचलन थोड़ा कम हुआ, लेकिन इस बार कुछ समय से लोगों के अंदर अपने देशभक्ति और देश का जज्बा फिर से जागरूक हुआ है। जब जागा तभी सवेरा, यह कहते हुए हमें खुशी हो रही है कि हमारे देश में इसके प्रति हम लोग जागरूक हो रहे हैं कि हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे और विदेशी जो सामग्री है उसका बहिष्कार करेंगे, और ये प्रयास हमारा रहेगा हमेशा। तो आपने सुना ज्ञानोदय प्लस टू उच्च माध्यमिक विद्यालय के निदेशक धर्मेंद्र सर थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से विद्यालय परिवार जो है भारतीय संस्कृति सभ्यता और आर्थिक रूप से कमजोर गरीब तबके के लोगों के जीविका को कैसे चलता है, क्योंकि दीपों का त्यौहार दीपावली तो होता ही है और त्योहारों का समय अब समय लगातार चालू हो जाएगा और उसमें सबसे ज्यादा दीयों का इस्तेमाल होता है। हिंदू धार्मिक अनुष्ठान के हिसाब से, संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से आप देखते होंगे कि दीयों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो इस बार जो ज्ञानोदय प्लस टू उच्च माध्यमिक विद्यालय ठाना है कि इस बार का दीपावली दीयों के साथ मनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। में दीपों का त्यौहार दीपावली को लेकर शपथ ग्रहण कराया गया, साथ में दीयों के महत्व और प्रकाश डाला गया।
इस बार दीपावली दियो के साथ मनाने का संकल्प लिया, क्या कहना चाहते हो? सर पहले आपको नमस्कार, मैं ज्योति कुमारी ज्ञानोदय प्लस टू माध्यमिक विद्यालय बवनावली से, मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ। आखिर बार मैं अपना दिवाली बहुत अच्छे ढंग से मनाना चाहती हूँ और इसमें इस दिवाली में हम मिट्टी के दिए का प्रयोग कर इस दिवाली को मैं मनाना चाहती हूँ और गरीब लोगों में खुशहालियाँ बांटना चाहती हूँ ताकि गरीब लोगों का भी रोजगार बढ़े और वो अपनी दिवाली खुशी खुशी मनाए। और इस बार मैं मिट्टी का दिया बनाकर अपना दिवाली मनाऊंगी और अपने घरों में रोशनी लाऊंगी और हम सब मतलब खुशहालियाँ रहे। आपका है ज्योति? यस सर। दीपावली के दिन दिए में ज्योति जलेगी? यस सर। यस सर, मतलब मेरे नाम से ही ये मतलब प्रसिद्ध होता है कि ज्योति मतलब कि प्रकाश उत्पन्न करना। मतलब कि मैंने कहा है यस सर, यानी सब लोगों को ने संकल्प लिया इस बार दीपावली में दिया जलाऊंगा। यस सर, हम लोगों ने संकल्प लिया है। स्कूल में रंगोली का कंपटीशन भी है, उसके लिए तैयारी तो करना होगा। यस सर। चलो ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा?